जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ क्योंकि कई मेरे जो दोस्त हैं छोटे, उनका ये सपना होता है कमांडो बनने का। तो आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कौन कौन से कमांडो आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद बन सकते हो, यानी जैसे अब अपनी बेसिक ट्रेनिंग कम्प्लीट करते हो उसके बाद में आप सीधे डायरेक्ट कमांडो के लिए जा सकते हो या कमांडो ट्रेनिंग करके कमांडो बन सकते हो। दोस्तों, तो आज का ये पूरा वीडियो इसी पे। दोस्तों, कमांडो या और भी मतलब जैसे एक कमांडो होता है, कोर्स होता है, रेक होता है कमांडो बनना, तो आप कौन सा कर सकते हो और उसके दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, साथ ही जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी मैथ और रीजनिंग की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग के जस्ट बाद आप चाहे CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB या समराइफल, तो इनमें से या NIA में, तो NIA में है आपको, तो फिर तो बाहर कोई डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आप जाओगे कभी। तो इन अगर किसी डिपार्टमेंट में आप हो ट्रेनिंग के जस्ट बाद, जैसे भी आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है 44 वीक की, तो 44 वीक की बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप कौन कौन से कमांडो बन सकते हो, तो दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर आता है वो आता है कोबरा कमांडो। CRPF की जो कोबरा कमांडो है उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ट्रेनिंग के बाद में 2 साल, 3 साल या 4 साल या 5 साल सर्विस करके ही आप कोबरा कमांडो बन सकते हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। दोस्तों, जैसे आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, बेसिक ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होती है, जब आपका बेसिक ट्रेनिंग का फाइनल जो टेस्ट होता है उसी दिन आपके ग्राउंड में या ट्रेनिंग सेंटरों में कोबरा की टीमें आ जाती हैं आपका टेस्ट लेने के लिए। जितने भी दोस्त इच्छुक है कोबरा कमांडो बनने के, वो वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट में नॉर्मल से होता है 5 किलोमीटर रनिंग होती है, 24 मिनट ही टाइम होता है, 7-8 बीम होती है और कुछ नहीं, वो सेटअप होती है 20-30। तो ये ट्रेनिंग में आपका इतना स्टेमिना बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, जो आप टेस्ट पास ना करो आसानी से आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो। तो कोबरा कमांडो आप जस्ट ट्रेनिंग के बाद, जैसे आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आप कोबरा कमांडो बन सकते हो। दोस्तों, जितने भी CRPF ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए है कि वो आगे जाके ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो, कोबरा कमांडो बन सकते हैं। दोस्तों, कोबरा कमांडो में फिर आप 5 साल की ड्यूटी कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स ये है कि उसके बाद में आपको एक चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है, जो रिस्क अलाउंस वो तो मिलता है, वो तो कोबरा का मिलता ही मिलता है। कोबरा का एक फ़ायदा और है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैसे अगर आप कोबरा में ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद में आप डिपार्टमेंटली जब क्यों पेपर आता है या डिपार्टमेंटली जब वैकेंसी आती है, उसमें लग के अगर आप दूसरे किसी, जैसे आप CPSI बन जाते, तो भी आपको कोबरा का अलाउंस कंटिन्यू मिलता रहता है, जबकि बाकी ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप किसी बटालियन में सर्विस कर रहे हो, उधर से अगर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके अपग्रेड में जाते हो, तो आपको बेसिक ही मिलती है, फिर वापस ट्रेनिंग पैसा ही मिलता है, लेकिन कोबरा से अगर जाते हो तो आपको कोबरा का अलाउंस लगातार मिलता रहता है। उसके अलावा क्रोकोडाइल कमांडो, ये सब के, ये आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद बन सकते हो। जितने भी मेरे दोस्त BSF ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको बता दूं कि आप क्रोकोडाइल कमांडो, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद में आप क्रोकोडाइल कमांडो की ट्रेनिंग कर सकते हो। एक साथ में बात बता दूं, जो कमांडो कोर्स होता है, तो जो कमांडो कोर्स होता है वो आप एक अलग होता है, कमांडो बनना अलग होता है, कमांडो कोर्स भी होता है। कमांडो कोर्स के क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो उसका जो बेस मिलता है, यहाँ पर आपने कईयों का देखा होगा वर्दी पर कमांडो लिखा हुआ, तो वो बेस मिलता है, उससे आपका क्या होता है कि आप स्पेशल प्रोटेक्शन में चले जाते हो। जैसे आप DIG के प्रोटेक्शन में, अगर आपका कमांडो कोर्स किया तो उनके प्रोटेक्शन में लग सकते हो, IG के प्रोटेक्शन में लग सकते हो। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आपकी वेल्थ अच्छी है, आप में एक्टिविटी ज़्यादा है, तो मतलब आप उनके रनर या गनमैन जो लगते हैं उनके, तो उनमें ड्यूटी कर सकते हो। तो उसके लिए वो कमांडो कोर्स अनिवार्य होता है कि अगर आप IG या DIG या इस ऊपर रैंक के ADG, DG, इनके जितने भी जो गनमैन लगेंगे, वो कमांडो कोर्स किए हुए या NSG से, जो NSG डेप्यूटेशन आए हुए, जो NSG में गए थे फिर वापस आ गए NSG SPG में, तो वही लगते हैं। दोस्तों, उसके अलावा क्रोकोडाइल कमांडो BSF के, जो आप जिनकी हाइट वाइज अच्छी है, तो वो क्रोकोडाइल कमांडो का टेस्ट देके क्रोकोडाइल कमांडो जा सकते हैं। जितने भी BSF वाले हैं, वो क्रोकोडाइल कमांडो ट्रेनिंग के जस्ट बाद बन सकते हैं। उसके लिए भी कोई भी सर्विस का मापदंड नहीं है कि आपके इतने साल सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद में जो CISF के निंजा कमांडो है, स्पेशल सिक्योरिटी सेल, तो उसका भी आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद में उसकी ट्रेनिंग कर सकते हो। उसके 3 महीने की जो ट्रेनिंग है, वो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद में उसका आप कई बार ट्रेनिंग सेंटरों में आ जाते हैं उसके लिए, और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग सेंटरों में नहीं आते, तो आपको वहाँ पे जैसे आप यूनिट चलते हैं, वहाँ से आपको एप्लीकेशन लिख के या वॉलंटियर मांगे जाते हैं या डिमांड मांगी जाती है, तब आप अपना नाम देके फिर उसके कोर्स के लिए जा सकते हो। और स्पेशल सिक्योरिटी सेल मतलब निंजा जो कमांडो जिनको बोलते हैं, जिन्होंने आपने एक वीडियो देखा होगा, वो गाड़ियों घुमाने वाला जो काफ़ी वायरल हुआ था मोदी जी के सामने किया था, जब वो गाड़ियों से सीधे जाते हैं, अचानक से टर्न मार के दूसरी दिशा में लेके जाते हैं, तो निंजा कमांडो का परफॉर्मेंस था, तो वो स्पेशल सिक्योरिटी करते हैं VIPs की,
निंजा कमांडो की जो ड्यूटी होती है वो होती है स्पेशल सिक्योरिटी, वो वीआईपी जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं वीवीआईपी या वीआईपी जो देश के पर्सन हैं उनकी जो स्पेशल सिक्योरिटी है उसमें उनकी ड्यूटीज़ लगती है दोस्तों। तो ये कमांडो आप ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग के जस्ट बाद बन सकते हो। अब किसके अलावा एनएसजी बच जाता है, एनएसजी के लिए आपको कम से कम 5 साल की सर्विस चाहिए, वो भी बिल्कुल रिकॉर्ड क्लियर, आपका मतलब एक भी दिन छुट्टी से लेट नहीं, कोई भी रिकॉर्ड में काला मतलब रेड पेन चला हुआ नहीं, कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा नहीं आपके साथ वाले से, कोई भी आपके गांव में या कहीं पे भी आप पे FIR नहीं होनी चाहिए, आपका मतलब पूरा का पूरा ट्रैक नीट एंड क्लीन होना चाहिए दोस्तों, तभी आप एनएसजी कमांडो बन सकते हो, नहीं तो आप एनएसजी कमांडो नहीं बन सकते। इसीलिए उनका 5 साल का सर्विस टाइम मांगा जाता है कि आपका कम से कम है 5 साल का सर्विस टाइम करने के बाद में आप एनएसजी कमांडो बन सकते हो। एसपीजी कमांडो के लिए भी ऐसा ही, कुछ लोग एनएसजी से फिर एसपीजी में चले जाते हैं, आप अगर एसपीजी में सीधे जाए, एसपीजी की कमांडो बनना इतना आसान नहीं है, एसपीजी कमांडो और भी मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो ये होता है कि आपके रिश्तेदारों तक के केस उठा के चेक करते हैं, आपके रिश्तेदारों पर भी तो कोई केस नहीं है, तो उसकी तो और ही तगड़ी जानकारी मतलब जिसका बिल्कुल ट्रैक क्लीन हो वो एसपीजी कमांडो बनता है। अगर किसी पे एक भी छोटा सा भी केस भी FIR भी हो रखी है, यानी छोटा सा केस भी हो रखा है, तो वो भी एसपीजी कमांडो नहीं बन सकता दोस्तों। तो अगर आपका भी सपना है एसपीजी कमांडो बनने का तो ध्यान रहे कि आपके ऊपर कोई भी FIR भी ना हो, मतलब अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो भी आपको एसपीजी में सीट नहीं मिलेगी, आपको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपका पूरा ट्रैक चेक होगा, उसके लिए पूरी डिटेल आपकी फैमिली तक आता की डिटेल, आपके भाइयों की, आपके मदर माता पिता सबकी ट्रैक चेक होगा, अगर उन पर भी केस आपके माता पिता पे तो भी आपको एसपीजी में जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है एसपीजी स्पेशली प्रधानमंत्री देश का जो पीएम होता है उसकी सिक्योरिटी देखती है, उसकी टोटल डिटेल देखती है कि वो कैसे जाता है, कैसे काम करता है, उसके पास किसका मोबाइल आता है, वो किस हिसाब से चलता है, कौन सा रूट सेलेक्ट करती है, कहीं पे भी जाने के लिए 4 से 5 रूट सेलेक्ट करते हैं, उनमें से लास्ट टाइम पर कौन सा रूट देती है ये एसपीजी काम है। तो उसके लिए तो मतलब आपका पूरा का पूरा ट्रैक क्लीन होना चाहिए दोस्तों। बाकी ये जो मैंने कमांडो बताए ये आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद में कमांडो बन सकते हैं। कईयों का क्वेश्चन रहता है क्या सर हम पैरा कमांडो बन सकते हैं, तो नहीं, पैरा कमांडो तो केवल आर्मी के लिए है और आर्मी के ही जवान पैरा कमांडो बन सकते हैं, या पैरा ट्रूपर्स की जो ओपन वैकेंसी आती है जिस रैली भर्ती आती है पैरा कमांडो की उसमें भी जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन किसी एक चीज़ और बता दो, अगर आप SSGD ज्वाइन करो और आपकी एज अगर 18, 19, 20 ही है, वैसे तो होगी नहीं क्योंकि 3 साल इसकी वैकेंसी निकल गई है, तो आपकी ओवर एज हो गए होंगे आर्मी से, बाकी अगर किसी की बच जाती है और नहीं होती है तो वो ज़रूर SSGD ज्वाइन करने के बाद में भी आर्मी की रैली भर्ती देख सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रैली भर्ती अटेंड कर सकता है और जा सकता है। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता किसी की एज बचेगी क्योंकि 3 साल लंबी वैकेंसी, अगर 18 साल का फॉर्म किया तो वो भी 21 साल का हो ही गया है, तो बचेगी नहीं, बाकी वैसे करके आप देख सकते हो, बाकी पैरा कमांडो आप इससे नहीं बन सकते दोस्तों। तो ये जो कुछ कमांडोज है जो आप ट्रेनिंग के बाद बन सकते हो और कुछ ये जो ट्रेनिंग के 4-5 साल बाद में आप ये कमांडोज बन सकते हो दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।